उत्तर प्रदेश में 4 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है, जिसके बाद अब राजनीतिक दलों की नजर बाकी बचे 3 चरणों के चुनाव पर है और इसे जीतने के लिए सभी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। विधानसभा चुनाव के 6ठे चरण में सभी पार्टियों ने डाकियों को सियासी मैदान में उतारा है और इस चरण में 57 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़े जा रहे हैं, जिसमें से 27% उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के हैं। वहीं 23% उम्मीदवार ऐसे भी हैं जिनके खिलाफ IPC की गंभीर धाराओं के तहत मामले भी दर्ज हैं। आपको बता दें कि 5वें चरण में भी 27% दागी उम्मीदवार सियासी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। UP इलेक्शन वॉच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के विश्लेषण में ये तथ्य सामने आए हैं कि 6ठे चरण में 65 महिलाएं मैदान में किस्मत आजमा रही हैं, लेकिन ये संख्या 5वें चरण की तुलना में कम है।